आज देश के आंगनवाड़ी वर्कर मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि हम 4,500 रुपए महाना में कैसे जिंदगी गुजारेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ICRS न्यूज, जहां आपको मिलती है देश भर की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले, संसद में एक बार फिर से आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय पर चिंता व्यक्त करते हुए उनके मानदेय में वृद्धि करने की मांग की गई है। मांग की है देश के जाने माने नेता असदुद्दीन ओवैसी ने। हम इस संदर्भ में कुछ और बातें आपसे करें, इससे पहले आप संसद में हुई इस चर्चा की यह वीडियो देखें। 50% आबादी जो नौजवानों की है, वो उससे सवाल कर रही है कि हम 50% तो हैं, मगर 28% बेरोजगार क्यों है? आपने हमारा मुखदर बेरोजगार क्यों बना कर रख दिया? वो आज देश के आंगनवाड़ी वर्कर मोदी सरकार से सवाल कर रही है कि हम 4,500 रुपए महाना में कैसे जिंदगी गुजारेंगे। और साथ ही साथ हमको कहा जाता है कि हम फ्रंटलाइन वर्कर बनकर रहे। देश की माएं आपसे सवाल कर रही है मोदी सरकार से कि उज्ज्वला योजना के सिलेंडर जो 2015 में कीमतें थी वो डबल हो गई, आज वो कीमतों को रिफिल नहीं कर, सिलेंडर को रिफिल नहीं करा सक रही है। सर, वो आज गरीब घरों की महिलाएं देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रही है कि जो कॉस्ट ऑफ बेसिक ग्रोसरीज था वो 68% इजाफा क्यों हो गया? मोदी सरकार को उसकी खबर है या नहीं? आज इस देश का मजदूर मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि 2015 से उसकी तनख्वाहों में सिर्फ 22% इजाफा हुआ है, मगर प्राइस ऑफ एसेंशियल फूड आइटम से 50% इजाफा हुआ है। सर, देश का गरीब जो आज भूखा सो रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहा है कि मैं रात में और मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मगर देश में 215 बिलियनर पैदा हो गए। कब तक गरीब का पैसा बिलियनर को जाएगा? वो गरीब मोदी सरकार से सवाल कर रहा है। देश का आज देश के आंगनवाड़ी वर्कर मोदी सरकार से सवाल कर रही है कि हम 4,500 रुपए महाना में कैसे जिंदगी गुजारेंगे। और साथ ही साथ हमको कहा जाता है कि हम फ्रंटलाइन वर्कर बनकर। हम आपको बता दें कि यह वीडियो 4 अगस्त की है। 4 अगस्त के दिन महंगाई के मुद्दे को लेकर सदन में जोरदार चर्चा हुई। इस चर्चा में AIMIM के नेता ओवैसी जी ने बढ़ते सिलेंडर के दामों, बढ़ती महंगाई, पढ़ाई लिखाई के सामान जैसे कि पेन और पेंसिल पर GST लगाने को लेकर, इसके अलावा घरेलू सामान जैसे कि आटा, चावल, दाल, इन पर भी GST लगाने को लेकर सरकार से सवाल किया है। उन्होंने आंगनवाड़ी के संदर्भ में भी कुछ बातें कही है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी बहनों को सिर्फ 4,500 रुपए मिलते हैं और उनके मानदेय में बढ़ोतरी क्यों नहीं की जा रही, इसको लेकर भी सरकार से सवाल किया है। सरकार उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम कराती है, जोखिम भरे काम उनसे कराती है, उसके बदले में सरकार उन्हें क्या देती है? सरकार उनको कोई भी सुविधा नहीं देती है। 4,500 रुपए में किसी का घर कैसे चल सकता है? सरकार को इस बात पर सोचना चाहिए। यह सवाल आंगनवाड़ी बहनों का है, यह सवाल गरीब महिलाओं का है। हालांकि इससे पहले भी सदन में कई बार आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर बहस हुई है, चर्चा हुई है, किंतु हमारा सवाल यह है कि यह चर्चा सिर्फ चर्चा ही क्यों रह जाती है? क्यों कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है? क्यों सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देती है कि पूरे देश में आंगनवाड़ी बहनों को मानदेय समय से नहीं मिलता है? सरकार ये क्यों नहीं बताती है कि तमाम राज्यों में आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि के ऐलान होने के बाद भी उनको बढ़ा हुआ मानदेय क्यों नहीं मिलता है? इस प्रकार के न जाने कितने सवाल हमेशा मन को व्यथित करते हैं। आए दिन बहनों को उनके हक के लिए सड़कों पर बैठना पड़ता है। इसके बाद होता क्या है कि बहनों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, उनके मानदेय को काट लिया जाता है। सिर्फ आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को देने के लिए सरकार के पास बजट नहीं होता है। हाँ, शायद सबसे ज्यादा पैसा हमारी आंगनवाड़ी बहनों को ही तो देना पड़ता है, 5,000 रुपए। इतनी बड़ी धनराशि है कि सरकार को इन बहनों को देने के लिए बजट नहीं होता। लेकिन जहाँ पर सांसद हों, विधायक हों, सरकारी अन्य कर्मचारी हों, जिनकी सैलरी 1,50,000 रुपए होती है, उनको देने के लिए हमेशा सरकार के पास पैसे होते हैं, लेकिन 5,000 रुपए देने के लिए, हमारी आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को देने के लिए इनके पास बजट नहीं होता। कितना मिलता है बहनों को? देखा जाए, कुछ राज्यों की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में लगभग 10,000 रुपए, उत्तर प्रदेश में अभी मानदेय बढ़ोतरी की बात हुई है लेकिन अभी भी आंगनवाड़ी बहनों को 5,500 रुपए ही मिल पा रहे हैं, बिहार में 5,950 रुपए, छत्तीसगढ़ और झारखंड में लगभग 6,500 से लेके 6,800 रुपए तक यही मानदेय उनको मिलता है। इसके अलावा बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 12,000, हरियाणा में भी लगभग यही 12,000। तो शायद 2-3 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 से अधिक मानदेय मिलता हो। जम्मू कश्मीर की हालत शायद सबसे ज्यादा खराब है,
यहाँ पर आंगनवाड़ी बहनों को महज 5100 रुपए दिए जाते हैं। तो आप अगर सभी राज्यों की आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय का एवरेज निकालें तो ऑन एवरेज जो आता है वो लगभग 7,000 से 8,000 रुपए के बीच में ही मानदेय दिया जाता है आंगनवाड़ी बहनों को। इसके बाद रिटायरी के बाद इनको कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। जो गरीब महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी आम लोगों की सेवा में निकाल देती हैं, तनख्वाह के नाम पर उनको मात्र 5,000 रुपए मिलते हैं, 5,500 रुपए मिलते हैं, जब वो रिटायर होती हैं तो उनके सहारे के लिए एक भी रुपया सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता। यह सरकार की नाकामी है और यह नाकामी किसी एक सरकार की नहीं है, सभी सरकारों की है। इससे पहले जितनी भी सरकारें रही हों उनकी भी नाकामी है, वर्तमान में जो राज्य सरकारें चल रही हैं उनकी भी नाकामी है और वर्तमान में जो केंद्र सरकार चल रही है उसकी भी नाकामी है। अभी वर्तमान